मोहन माझी महानता समस्या शुणापी दिव्यांग निकट को धाई आसिले मुख्यमंत्री ताली एवं हुड़हुड़ी में कंपिला मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ प्रथम थर लगे आज मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ में देखा मिलता भिन्न दृश्य अभियोग प्रकोष्ठ में कारगेट पहुंचा पर गाड़ी ओह्ल मुख्यमंत्री सीधा पहुंचे अपेक्षा कर रही दिव्यांग अभियोगकारी पाखे एमती जनक जनक पाखक जा प्राय 35 जन दिव्यांग अभियोग शुणिले मुख्यमंत्री आउ त्वरित पदक्षेप ने विभाग अधिकारी निर्देश देते सांगरे स्वास्थ्य मंत्री परिवहन मंत्री एवं बयनशिल्प मंत्री को विभाग अधीन आसुवा अभियोग समाधान पर निर्देश देते मुख्यमंत्री पुंगानुपुंख देखिले कर्मी मान दे देखिए तदंत कर सत आठ दिन भितर फलाफल जनाओ बोली ये आउ बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री पाखे आम आभारी जे आम बसिक रही मुख्यमंत्री ठिया हो रही मोहन माझी को मुझे खुशी हेली आशीर्वाद करुच्ची बेचारा सी पाक आसिक देखा कला सहीटा मोर पेट पूरी गला बेटा आउ केते दिन गो जाऊ जाऊ पा जानि बोली के कहची तर मु सब रिक्वायरमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर छी जेमिदी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल टेस्ट काउंसलिंग तो सब रिक्वायरमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करिया सते मध्ये आज पजंत मते जॉइनिंग करू नांदी सर कहले कि जदी आपन साथे अन्याय होई छी ताहेले निश्चय आमे देखिबु आज ना पंजीकरण करथिबा प्राय 1000 लोकन को अभिजोग खोद मुख्यमंत्री सुनिथिबा बेले आगामी दिन रे लोकों अभियोग जिलापाल एवं विभागीय अधिकारी माने जिला हेडक्वार्टर शुणे बोली स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महाली केवल से नुहे आरडीसी स्तर में लोकों अभियोग शुणा पर मंत्री विभूति भूषण जेना कहते लोके मोहन सरकार भरोसा कर अभियोग जनवाई आस दक्षिण ओडिशा पश्चिम ओडिशा दूर दूरा लोके आसवाई असुविधा होती आखि आगे रखिकी माननीय मुख्यमंत्री निष्पत्ति नहीं रेवेन्यू आरडीसी स्तर जमी संबलपुर ब्रह्मपुर एभलिया आगामी दिन नेक्स्ट मुझे भावुची आसंता तरफ मुख्यमंत्री कही सारे जे आसंत तरफ अभियोग शुणा चलो संबलपुर चलो एवं ब्रह्मपुर चलो एवं लोकों पाखक जावाई मुख्यमंत्री आवेग पूर्व सरकार समय रे 16 वर्ष धरी बंद थिला मुख्यमंत्री को अभियोग प्रकोष्ठ लोकों अभियोग शुणा को आसुनथिले नवीन हेले नुआ सरकार रे मुख्यमंत्री लोकों अभियोग निजे शुणुछन्ति भुवनेश्वर कैमरा पर्सन दीपक साहू को सह संतोष जेना रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।